नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एलविश यादव को लेकर पहले मीडिया ने सूत्रों के हवाले से गलत खबरें चलाई, खूब दुष्प्रचार किया गया। जब इन गलत खबरों को देखकर उनके माता पिता सच्चाई बताने आए, जो तीन दिन से जिन्होंने कुछ नहीं खाया, उसे मीडिया ने मेंटली टॉर्चर किया है। ये वही मीडिया है जो रिया चक्रवर्ती को बिठाकर उन्हें बोलने का मौका तो देता है, उनसे कैसे नीचे नीचे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आतंकवादियों का भी इंटरव्यू ये मीडिया चैनल कर चुका है, उनसे भी नीचे नीचे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एलविश यादव के माता पिता जो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उनसे कैसे, किस टोन में बातचीत की जाती है, जो तीन दिन से भूखे प्यासे हैं, उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। आपने देखा होगा इंटरव्यू, चाहे वो एबीपी न्यूज का इंटरव्यू हो, वहां पर तो थोड़ी मर्यादा थी, रुमाना अच्छे से थोड़े सवाल जो है वो पूछ रही थी। हाँ, उनका भी बिहेवियर उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से बाकी लोगों से रहता है, लेकिन जो भी सवाल पूछे चलिए ठीक था। लेकिन नेहा भाथव जो बैठकर आज तक पर किस तरीके से गलत तरीके से व्यवहार कर रही थी और झूठ भी परोस रही थी, आज तक जो अपने आप को ये दावा करता है कि सबसे बड़ा मीडिया चैनल है, वो किस तरीके से झूठ बोल रहा था, उस झूठ की पोल आपको खोलेंगे और वीडियो आपको सुनाते हैं। इंटरव्यू देखने से ये साफ पता चलता है कि कैसे मीडिया चैनल है जो है वो नफरत से भरा हुआ है। आखिर किस बात की दुश्मनी एलविश यादव से है? क्या एलविश यादव लग्जरी कार में घूमते इस बात से आपको दिक्कत है, या फिर उनके घर में कहां से पैसा आ रहा है, ये जानने के लिए आप उत्सुक थी। इन मीडिया चैनलों को बस टीआरपी चाहिए और इसी टीआरपी के लिए उन्होंने माता पिता को चैनल पर बुलाया, और आप देख रहे होंगे कैसे थंब और कैसे टाइटल दिए जा रहे हैं, और जब उनके माता पिता भावुक हो रहे हैं तो उसको किस तरीके से परोसा जा रहा है, वो क्लिप भी आप देख रहे होंगे। ये मीडिया चैनल जो है ये सिर्फ और सिर्फ गिद्ध हैं, इन्हें जहां पर आप समझ रहे हैं भोजन दिखाई देता है उधर ये चले जाते हैं। और इस बात का खुलासा इंडिया टुडे के ही एक पत्रकार राजदीप सरदेसाई कर चुके हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। लेकिन आज के दिन जब एलविश के माता पिता वहां पहुंचते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, उनसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आपके घर में चूल्हा कैसे जलता है, आपके यहां पैसा कहां से आता है, क्या करते हैं आप, आपने गाड़ी किन पैसों से ली है, ये सारे सवाल तो सीबीआई के होने चाहिए थे, ईडी के होने चाहिए थे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो ईडी सीबीआई देखती, लेकिन अब आप इस तरीके से सवाल दाग रही हैं। अगर ऐसे ही सवाल आपने सत्ता से पूछ लिया होता तो आधी जो समस्या है देश की कब के खत्म हो जाती, लेकिन आप पे तो हिम्मत है ही नहीं कि ऐसे सवाल आप किसी मिनिस्टर से या फिर किसी और से आप पूछ पाए। अगर इतनी तेज पत्रकारिता आपके अंदर है, अगर आप ये कह रहे हैं हम सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, तो फिर आपको नेताओं से भी ऐसे तीखे सवाल पूछने चाहिए थे। और सबसे बड़ा झूठ, जिस झूठ की हम बात कर रहे थे, चलिए उस झूठ की पोल खोलते हैं, अब आपको सुनाते हैं। देखिए नेहा भाथव क्या कह रही हैं, सुनिए। कॉन्टेक्ट है, आपके चैनल दोबारा आ जाएंगे, किसने क्या किया है सबको सब कुछ पता है, क्यों करेंगे वैसा काम, हमारा फैमिली बैकग्राउंड देख लिया, जब से बिग बॉस जीता तब से पता नहीं क्यों लोग मतलब हमारे पीछे लगे हुए हैं, क्या क्या आपको लग रहा है, क्यों लोग पीछे पड़ गए हैं, क्यों पुलिस ने रेड करी, क्यों वहां पर एलविश यादव की मौजूदगी थी, रेप पार्टी में रेड हुई है, एलविश यादव की मौजूदगी थी वहां पर, एलविश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है, कल ये बतौर खबर चला है सर, तो आप डिनाई मत करिए ना। अरे मैं मिल गया मैडम, कल कोई उसे कोई पुष्टि नहीं करी उसने, आपने सुना, फैक्ट्स को आप डिनाई मत कीजिए, कौन सा फैक्ट्स, एलविश यादव जब रेड जो भी रेड पड़ी थी, झूठी रेड जो भी कही जा रही है, उस वक्त तो एलविश यादव वहां थे ही नहीं, और इस बात का तो पहले ही खुलासा हो गया था, फिर आज तक इसे फैक्ट्स कैसे बता रहा है, आज तक को माफी मांगनी चाहिए कि उसने एलविश यादव के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, आज तक ने सूत्रों के हवाले से गलत खबर चलाई, पहले तो उस पर माता पिता ने उनके खुलासा किया कि मैं मिलकर आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आज तक हो या तमाम न्यूज चैनल वो ये चला रहे थे, एलविश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि जब रेड पड़ी थी तो एलविश यादव उस पार्टी में मौजूद था, अगर मौजूद था तो वो वीडियो कहां है, सबके सामने वो वीडियो आनी चाहिए, लेकिन ये वो वीडियो अभी तक नहीं आई है। ऊपर से सौरभ और गौरव गुप्ता जिन पर तमाम मामले दर्ज हैं, कौन कौन से मामले हैं, कैसे कैसे मामले हैं, उस पर एक अच्छी वीडियो जो है वो हम लाने वाले हैं और पूरे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। 2017 से तमाम आर्टिकल उनके खिलाफ छप चुके हैं, और सौरभ और गौरव गुप्ता के बारे में जो आर्टिकल छपते थे वो लेफ्ट मीडिया ही छापता था, क्योंकि सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को ऐसा लगता था कि मेनका गांधी मिनिस्टर नहीं बन पा रहे हैं तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्हें समझ आ गया कि उनका वक्त आ चुका है, क्या यही वक्त कि वो वसूली का धंधा चला सके, बड़े वीडियो उस पर बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए मीडिया का असली चेहरा सामने आ रहा है, ये तो हमने एक बयान सिर्फ नेहा भाथव का सुनाया है,
कि वहाँ किस तरीके से वो फैक्ट्स की वो बात कर रही हैं और बता रही हैं कि उस वक्त जब पार्टी हुई थी, जब रेव पार्टी चल रही थी, उस वक्त एल्विश यादव मौजूद थे, जबकि एल्विश यादव की मौजूदगी नहीं थी। इस पर पहले ही सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, तमाम वीडियो हम इस पर पहले ही डाल चुके हैं। ये मामला जो है पिछले साल नवंबर का है, लेकिन आज एक एंकर जो नेशनल मीडिया पर बैठकर झूठ बोल रही है, आज तक को इस बयान के लिए माफी मांगनी ही चाहिए। बाकी बिहेवियर कैसा था वो तो आपने देखा ही।